हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी के सामने फिर एक नया लेसन लेके आया हूँ। देखेंगे समझेंगे। देखिए, अब मैं इस पार्ट में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके लिए मैं क्या किया हुआ हूँ, देखो ये क्वेश्चन मैं लिखा हुआ हूँ कुछ जगह, फिर ये किसी क्वेश्चन पेपर से कटिंग लेके मैं उसको चिपकाया हुआ यहाँ पे। देखो ये 71 मार्किंग दिया हुआ है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, फिर उसके बाद से ये किसी क्वेश्चन पेपर का एक हिस्सा है उसको मैं यहाँ पे स्टेपल किया हुआ हूँ। ठीक है, डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है, फिर ये किसी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है। तो ऐसा मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चन है उसको अभी समझेंगे और बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, यहाँ पे दिया हुआ है एक इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एबीसीडी में, ड्रॉ करूंगा कुछ देर बाद, क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा होगा, यदि पॉसिबल हो तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स है एरिया ऑफ ए, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, यहां से ए बी सी और ये डी ऐसा दिया हुआ है, और इसी में एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये कॉर्नर में नहीं पहुंच पाया, ये ट्रायंगल है। ठीक, इसको मैं एम नाम दे देता हूं और इसका एक हाइट दिया हुआ है एच। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक्स। एक्स क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका दिया हुआ है, ये ए एम उसके बाद ये बी, ए एम बी इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ए एम बी का। और वाई क्या दिया हुआ है, देखो वाई दिया हुआ है एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका पूरा एबीसीडी का एरिया, एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी ये दिया हुआ है एक्स एंड वाई। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो पहला एक्स रेशियो वाई क्या होगा, 1:2 होगा, एक्स रेशियो वाई क्या होगा, 2:3 होगा, एक्स रेशियो वाई क्या होगा, 1:3, या एक्स रेशियो वाई हम लोग नहीं बता सकते, ये दिया हुआ है और ऑप्शन में हमको एक को सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्स रेशियो वाई ये है, मैं एक्स रेशियो वाई यहाँ पे लिख लिया, या एक्स अपॉन वाई लिख लिया। एक्स क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 बेस ए बी हो जाएगा, बेस ए बी इंटू ये हाइट, यही होगा इसका क्योंकि वो ट्राइंगल है, डिवाइडेड बाई वाई क्या है यहां से, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। अब पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही होता है बेस इंटू हाइट, बेस दिया यहां पे ए बी, हाइट दिया एच। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम लोग फार्मूला से लेकर चलते रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनाते रहते हैं, एग्जाम में कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है फिर नहीं बनता है, कोई बात नहीं लेकिन अब बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये ए बी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 1/2 यहां से एक्स रेशियो वाई। ऑप्शन में देखो अब यहां पे दिया हुआ है पहला ही ऑप्शन ए ऑप्शन, एक्स रेशियो वाई 1:2, या ऐसा करके इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट फार्मूला से लेकर चलना है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं अभी और कराऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल पी, एक आयत जिसका क्षेत्रफल आर, तथा एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल टी है, सभी समान आधार पर तथा सबकी ऊंचाई भी समान है निर्मित किए गए हैं, तो कौन सा कथन असत्य है। इफ ए पैरेललोग्राम विद एरिया पी, ए रेक्टेंगल विद एरिया आर एंड ट्राइंगल विद एरिया टी आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस एंड ऑल हैव सेम अल्टीट्यूड, देन फॉल्स स्टेटमेंट इज, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो यहां पे एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ये देखो बेस सेम है तो रेक्टेंगल कैसे करूंगा मैं इसको बनाने के लिए, यहां पर रेक्टेंगल नहीं बाहर बनेगा क्योंकि बेस यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा, ये हो गया रेक्टेंगल, उसी के अंदर में ही है। ठीक है, ये और तिरछा हो गया, उसको भी मैं सीधा कर लेता हूं, तो कई लोग उसी में कमेंट करेंगे। ठीक है ना, ये देखो ये सीधा हो गया, ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। अब देखो इसी बेस में एक ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल भी है, सबका हाइट सेम है क्योंकि ये ऐसा
सबका हाइट सेम ही है। ठीक, अभी देखो क्या बोला हुआ है, समांतर इसका एरिया पी है, इसका एरिया जो है आर है, इसका एरिया टी है, तो कौन सा जो रिलेशन है वो क्या है गलत है आपको बताना है। तो देखो तीनों का मैं एरिया पहले निकाल लेता हूं। पी ये पैरेललोग्राम का है ना, ठीक है पी, तो देखो इसमें क्या होता है बेस, इसको बेस को ले लें क्या, ए बी ले लेते हैं, चलो बेस इंटू हाइट, ये ए बी इंटू क्या हो जाएगा एच, बेस इंटू हाइट हो गया। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे देखो बेस है ये ए बी और यहां पे जो विड्थ है या ब्रेथ दिखाई दे रहा है वो एच ही है, तो ये ए बी इंटू एच, ये भी वही चाह गया है ना। तीसरा है ट्राइंगल, ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। ठीक है अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पी इज इक्वल टू 2t, देखो तो पी इज इक्वल टू 2t, हाँ ये आधा है तो ये डबल हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 2t ये बिल्कुल सही है। ठीक है दूसरा क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 1/2 r, देखो टी इसका आधा है, हाँ 1/2 इसका आधा है, वो भी सही है, ऑप्शन ए और बी क्या हो गए सही हो गए। तीसरा क्या दिया है, सी ऑप्शन यहां पे दिया है p इज इक्वल टू आर, देखो तो p और r इक्वल है क्या, देखो p और r इक्वल है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर चौथा ऑप्शन देखो डी, डी क्या दिया हुआ है यहां पे p प्लस टी इज इक्वल टू 2r, p प्लस टी इज इक्वल टू 2r, नहीं ये तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाफ है, डबल तो नहीं होगा। ठीक है मतलब कि इसको आप करके देख लेंगे आपको दिख जाएगा p प्लस टी इज इक्वल टू 2r, ऐसा ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हालांकि ये हाफ नहीं रहता तो हो जाता, तो ये है ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी p प्लस टी इज इक्वल टू 2r क्या है रॉन्ग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, ऐसे बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी पेपर कटिंग का हिस्सा है। देखो ये मैं क्वेश्चन पेपर से इसको क्या किया हूं, काटा हुआ हूं, आपको समझा रहा हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना के देखते हैं, ठीक है जाए उसको भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी प्लस सी डी, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ई एफ इज द पैरेलल, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 1:2, देन द वैल्यू ऑफ ई एफ इज। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ए बी बराबर है 12 सेंटीमीटर के और सी डी किसके बराबर है 24 सेंटीमीटर के। ई एफ ए बी तथा सी डी के समांतर है और उनके बीच की दूरी को 1:2 में विभाजित करता है, तो ई एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में जो भी दिया है, अच्छी बात यह है कि इसमें डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में इसमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पेपर का ही कटिंग है, तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, उसको समझेंगे। एक ट्रेपेजियम है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं जब मैं इसका लॉजिक समझा रहा था, इसे कॉन्सेप्ट पूरा बता चुका हूं मैं, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है इसको मैं थोड़ा सा कम बेंड कर लूं कि और ज्यादा मुझे जरूरत पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है ये ऐसा, ये नीचे पे बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर ले लें क्या, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये ऐसा। ठीक है ये ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी और ये दिया हुआ है सी डी, जैसा दिया हुआ है सी वैसा तो ऐसे आना चाहिए था। ठीक है ये ई और ये एफ और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 और ये 2 ऐसा कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को, हालांकि यहां पे लिखा हुआ है लेकिन इस डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है और ये 12 है और ये 24 है, हमको क्या निकालना है, ई एफ का लेंथ निकालना है, दिखा यहां पे दिया हुआ है ई एफ का मान क्या होगा, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, एक फॉर्मूला आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए, बाकी पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है सबसे बड़ा वाला ट्रेपेजियम देखिए ए बी सी डी, उसका एरिया क्या होता है, दो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है समेशन अप टू पैरेलल लाइंस 24 एंड क्या दिया हुआ यहां पे 12 एंड 24 दिया है, ठीक है और इंटू हाइट है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं पहले इसको ऐसा लिख लेता हूं, एरिया किसका किसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख रहा हूं, ऐसा करने से भी डी सी दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू
एरिया, किसका किसका एरिया, ए बी ई एफ, जैसा भी आप लोग एफ ई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एरिया किसका किसका, ई एफ सी डी, मतलब इसका एरिया इसके और इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें मैं फॉर्मूला रख रहा हूं, 1/2 × 12 × + 24 × हाइट। ये जो हाइट है देखो, ये हाइट है, ये वन है, ये टू है, रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो वन टू में, तो इसको मैं 1, 2, 3 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो और कुछ होगा लेकिन रेशियो तो वही है, इंटू थ्री ऐसा मैं कर लिया, इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ रीजन है उसके पीछे, 1/2 × ये हो जाएगा 12, इधर का नहीं पता है मेरे को, ई एफ ले लेता हूं, इसको नहीं पता है तो ई एफ ले लिया, इंटू इसका देखो वन, ठीक है, प्लस 1/2 × इधर का देखो ई एफ नहीं पता है, ई एफ रख लिया यहां पे, प्लस 24 × ये 2, मतलब कि देखो 1/2 समेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ऐसा लेके चल रहा हूं रेशियो के अकॉर्डिंग, ये ऐसा ये फॉर्मूला में हो गया। ये तो बहुत दिख रहा है, बड़े बड़े दिखाई दे रहा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, देखो कैसे 1/2 सब जगह 1/2 है, उसको हम लोग हटा लेंगे, हट सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 36 × 3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा नीचे ले लो क्या मैं यहाँ पे, फिर वो ऊपर नीचे, 36 × 3 इज इक्वल टू 12 + EF है, ये हो जाएगा 12 + EF, ठीक है, प्लस यहां पे देखो ई एफ तो 2 EF, उस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 48, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है, ये 108 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो, ई एफ ई एफ, ये 2 EF EF, 3 EF, 3 EF, और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यहां से इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, ये आ जाएगा 48, 3 EF इज इक्वल टू 48, EF का वैल्यू आ गया ये 16 सेंटीमीटर, 16 × 48 होता है, 16 सेंटीमीटर किसका आ गया, EF का वैल्यू आ गया। तो देखो यहां पे बस एक बार लिखा बस हूं, वो तो आपको समझाने के लिए है, यदि मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे इसको यहां पे लिखता, यहां इसका यहां पे लिखता और करके बन जाता, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जो एरिया छूटा हुआ है उसी में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कॉपी में सॉल्व करने के लिए पूरा अच्छे से बताया गया, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ई एफ का वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज इक्वल इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 90 मीटर एंड द विड्थ इज 80 मीटर, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ बना के देखेंगे, बहुत ईजी है, आपको यह समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज इक्वल, तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 मीटर वो दिया हुआ है एंड द विड्थ इज 80 मीटर, मैं इसको रख लेता हूं, ये 90 दिया है, ये 80 दिया है, ठीक है, ये ए स्क्वायर, हमको निकालना क्या है, वर्ग का डायगोनल निकालना है इसका स्क्वायर का, ठीक है। तो मेरे को कुछ फॉर्मूला पता नहीं है लेकिन बेसिक फॉर्मूला पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा 7200, ये अंडर रूट, ये ए ए के बराबर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर रहेगा तो ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, डायगोनल क्या होता है देखो, इसको आप लोग ऐसा समझो कि ये क्या है, वर्ग है, कितना फार्मूला याद करेंगे, ये कुछ हद तक फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये डायगोनल है, ये ए है, ये ए है, तो ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं उसको, 2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए रूट टू। तो कई जगह इसी को फार्मूला में लिखवाते हैं, कई बहुत सारे मैं ट्रिकी बुक्स में देखा हूं कि ट्रिकी फार्मूला या फिर सब में उसको लिखवाए हुए हैं, तो ऐसा छोटा छोटा कितना सारा फार्मूला याद करोगे, वो तो बन जाता है, तो ऐसा कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा फार्मूला याद करना मुश्किल है,
ठीक है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। हमको यही निकालना है, यही निकालना है। ये किसके बराबर होगा? डायगोनल के बराबर होगा। कैपिटल डी ले लेता हूं, तो डी इज इक्वल टू, देखो अब मैं यहां सॉल्व करके लेके आ रहा हूं ना उसको, ए रूट टू हो जाएगा। उसके बाद ए यहां पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7200 ये इंटू रूट टू, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे? देखो इसको 36 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखो तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3600 इंटू इसको 2 ऐसा लिख सकते हैं इंटू रूट टू, ये रूट टू नहीं, ये अंदर भी 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका हमको अलग से निकालते हैं, इसका अलग से निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 3600 है, ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, ये 3600 आ जाएगा। तो इसका रूट आ गया 60 और इसका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 120। और ये सब डायमेंशन कितने दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 120 मीटर। इसका डायगोनल कितना आ जाएगा, 120 मीटर। तो इसको ऐसे बनाना है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक्स में ऐसा फार्मूला दिया हुआ है, ट्रिकी बुक मैं देख रहा था उसमें फार्मूला दिया हुआ है, तो ऐसा बहुत सारा वो फार्मूला दिया हुआ है छोटा छोटा चीज को डिराइव कर करके, तो ऐसे में मत पढ़िए, आप लोग फंस जाएंगे ऐसे में, क्योंकि इतना छोटा छोटा फार्मूला याद रखे, हर फिगर में तो ऐसे भी तीन तीन फार्मूले हैं, एरिया पेरीमीटर दो दो फार्मूले तो है ही है, और किसी किसी की मैं डायगोनल अलग से याद रखोगे फिर दिक्कत होती जाएगा। ठीक है, तो एक दो याद रखो, उससे ज्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी और कैसे मैं ऐसे ही बना के देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई वर्ग के भुजा से 4 गुनी है, वर्ग की भुजा क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर, हाउ मच विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, इसको आपको समझना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, 4 गुना बराबर है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर, उससे 4 गुना। ठीक, वैसे ही समझते हैं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, इसके 4 गुना, किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक, अभी और दिया हुआ है इसमें, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, इसका विड्थ क्या, इसका कैसे निकालते हैं, एरिया एल इंटू बी ऐसा करते हैं क्या, और ये 4 ए स्क्वायर ऐसा होगा, है ना। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि विड्थ उसका क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो इसके जगह मैं रख लिया 12। और दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा से, उसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 4 गुनी है, द लेंथ इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर, ये साइड है ये 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है उसका, 4 ए है, इस साइड का क्या है वो 4 गुना है, 4 ए है, ऐसा इसको हम लोग जमा लिए। ठीक है, ये 4a इधर से 4a कैंसिल हो गया, ये 12 बचा इधर और इधर a बचा, तो उसका साइड क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्ग की भुजा क्या है, यही पूछा हुआ है, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मेन तो क्या, इतना जमाना है, इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में एक और क्वेश्चन है, उसको भी बना के देखते हैं, वो भी कुछ इसे ऐसे टाइप का ही है, इससे थोड़ा से अलग है। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा से किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब एक वर्ग की जो भी भुजा है उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स विड्थ इज 3 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेक्टेंगल, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर यानी कि उसका जो एरिया है स्क्वायर का वो किसके बराबर है, एल इंटू बी, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि जो इसका लेंथ है वो इसके साइड से स्क्वायर के साइड से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर, तो ए प्लस 5 लिख लिया है। ठीक है, और जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर कम है, ए माइनस 3 लिख लो, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी चीज को आपको समझना है। यहां से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा, चलो ठीक है, माइनस 3a प्लस 5a
आगे हो जाएगा -15, ये ऐसा हो गया। ए स्क्वायर बाद में कैंसिल कर ले क्या? ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है, ये हो जाएगा -2a-15, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, जाएगा 2a = 15, a इज इक्वल टू आ गया 7.5, a इज इक्वल टू कितना आ गया 7.5, यही आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आगे देखो, यहां पर पूछा हुआ है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2l + b, यही होगा, उसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का 2l + b, तो l + b यहां पे क्या है 2, l यहां पे क्या है a + 5 है क्या, a + 5, और यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे प्लस लगा लूं मैं, ठीक है ये प्लस है, ये है a-3, ये ऐसा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएगा a 2a 2 into 2a, और ये कितना हो जाएगा +2, ये ऐसा हो जाएगा, और a का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 7.5, हाँ 7.5 तो यहां भी आया हुआ है, 7.5 into 2, ये हो जाएगा 15 हो जाता है, तो 2 into 15 + 2 17 into 2 34, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में आया, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है सब सेंटीमीटर में दिया है, तो उसका जो पेरीमीटर है वो 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, पहले इसको निकाल लो, फिर आप उसको जैसा भी पेरीमीटर के फॉर्मूला में रख लो तो भी कर सकते हो, जैसा भी आपको करो, एक बार ए मिल गया तो बाकी सब जो भी पूछा हुआ है वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस पार्ट में इतने रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और यदि नहीं मिला है तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, हर पार्ट में कुछ ना कुछ तो आपको नया, कभी स्पेशल वाला कुछ सीखने मिल जाएगा, कभी इजी वाला का होता है, कभी कभी बहुत लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वीक वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसा होता है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं वीक वाले भी बताता हूँ, इजी वाले भी बताता हूँ और टफ वाले भी बताता हूँ, दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। अभी क्वाड्रिलेटरल में और पार्ट्स रहेंगे, उसको भी मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, बस आप लोग से इतना उम्मीद है कि आप वीडियो जो भी देखते हैं आपको पसंद आता है तो वीडियो बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे व्यूज़ आएंगे तो उतना ही ज़्यादा मेरे को एनर्जी मिलेगा नया वीडियो बनाने के लिए, और मैं ऐसे ही टॉपिक कंप्लीट कर पाऊंगा। थैंक यू।